देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। मृत बाघ प्रकरण में बड़ा खुलासा। रेल कर्मी काट कर ले गए बाघ का पैर। दो रेल कर्मी वन विभाग की हिरासत में। आठ मार्च को गोंदिया चंद्रपुर रेल मार्ग पर मालगाड़ी की टक्कर से बाघ की मौत की घटना सामने आई थी, जिसमें बाघ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पूरा शरीर सही सलामत था। जांच में पता चला कि मृत बाघ का एक पैर गायब था। वन विभाग ने मामले की जांच कर कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया। दुर्घटना में मृत बाघ का एक पैर काट कर छिपा कर रखने वाले रेलवे के दो कर्मचारियों को गोरेगांव वन विभाग ने हिरासत में लिया है। मामले की जांच उपवन संरक्षक कुलराज सिंह, सहायक वन संरक्षक आरआर सत्यगीर के मार्गदर्शन में आरएफओ प्रवीण साठवने की टीम ने शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 मार्च की सुबह 7:30 से 8 बजे के दौरान रेलवे मार्ग के पिंड के पार गोंगले मार्ग पर घटना हुई। ट्रेन की चपेट में आने से मृत बाघ के टुकड़े नहीं हुए थे। तभी सूना मौका पाकर रेलवे के गैगमैन तथा चाबीदार ने मिलकर मृत बाघ का एक पंजे सहित पैर काट कर घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर रेलवे पटरी में ही छिपा कर रख दिया, जिससे लगे कि मृत बाघ का पैर कहीं दूर उछल गया हो। वन विभाग की जांच में मामले का पर्दाफाश कर दिया। सोशल मीडिया पर मृत बाघ के दो फोटो प्रसारित हो गए। एक फोटो में दिख रहा है कि मृत बाघ बीच पटरी पर पड़ा है और उसके चारों पैर दिख रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में बाघ का एक पैर कटा हुआ दिख रहा है। फोटो को देखकर वन विभाग ने जांच कर श्वान की मदद से मामले की जांच कर खुलासा किया। जब घटना सामने आई तो उपवन संरक्षक कुलराज सिंह, पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के उप संचालक पूनम पाटे, सहायक वन संरक्षक आरआर सत्यगीर, वन्यजीव रक्षक मुकुंद ध्रुवे, पशुधन अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर मालापुरे, डॉक्टर विवेक गजरे विभाग की टीम द्वारा बाघ के कटे गायब पैर की तलाश शुरू कर दी गई थी। तलाशी के दौरान घटना के आरोपी भी पैर को ढूंढने में शामिल हुए थे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।